इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपल्यती इंदौर। मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा, पूजन करने वाले पुजारी अपने आप को बड़ा मान लेते हैं और भगवान की पूजन करने के लिए प्रथम बात अपनी रखना चाहते हैं, बाद में दूसरे की बात करना चाहते हैं। मैं पहले पूजन करूँगा तो मैं बहुत बड़ा कहलाऊँगा, बाद में पूजन करने वाले छोटे कहलाएँगे। यह बात ध्यान में रखने वाले लोगों के लिए यह विचार करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि वो पूजन भक्ति करके भी धर्म नहीं कर रहे हैं, वे धर्म से बहुत दूर खड़े हुए हैं, सिर्फ अहंकार की तुष्टि कर रहे हैं, न्यायालयों की शरण में जाकर के सिर्फ इस बात का वो न्याय चाहते हैं कि पहले पूजन का अधिकार हमें मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ पूजन के लिए छल कपट ना किया जाए, पूजन का अहंकार ना किया जाए कि मैंने पूजन पहले कर ली। अरे बाद में पूजन करने वाला भी भगवान का वही भक्त होगा और वह भी उस पहले पूजन करने वाले से अधिक देवत्व को प्राप्त हो सकता है, देवता बन सकता है। और यूं कहना चाहिए कि वह पहले बाद में पूजन करने वाला पीछे की अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति अंत अभ्युदय भी हो सकता है, अंत उदय योजना भी हो सकती, जैसे सरकार चला रही है इसी तरीके से अंत में पूजन करने वाला भी, आखिरी में पूजन करने वाला भी भगवान का सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि श्वेतांबर लोग अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में सिर्फ एक बात की होड़ करने में लगे हुए हैं कि पहले पूजन मुझे मिलना चाहिए, हम पूजन पहले कर लें बाद में दिगंबर करें। अरे लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जिस रूप में आप पूजन करना चाह रहे हैं उस रूप में क्या होगा। अरे भगवान का मूल स्वरूप में जब आप पूजन करेंगे तभी आपके लिए आत्मा के कल्याण का मार्ग मिलेगा। लेकिन इस अहंकार की तुष्टि के लिए सिर्फ हम करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्र का पैसा भी बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि जितनी पुलिस यहाँ पर लगाई जा रही है, जैसे अभी एक पुलिस की रूटीन में सब गांवों में CRPF महाराष्ट्र में बोलते हैं उसका एक पथ संचलन निकला, लेकिन श्वेतांबर भाइयों ने छल करके लिख दिया ये पूजन की तैयारी। और वो किसके लिए डरवाना चाहते थे, एक वातावरण बनाना चाहते। एक व्यक्ति ने लिख दिया कि अभी तो पहरा मिलिट्री लगाई, जरूरत पड़ेगी तो मिलिट्री लगाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, हिंसक हथियारों के पहरे में तुम अगर भगवान की पूजन करोगे तो अहिंसा धर्म की पूजन नहीं होगी, तुम्हारे अहंकार की तुष्टि अवश्य हो सकती है लेकिन सच्चे धर्म की मान्यता पुष्ट नहीं हो सकती है। अगर सच्चे धर्म की आप बात करते हैं तो मिलिट्री की बात करना सबसे ज़्यादा आपके लिए हानिकारक और हिंसक भावना को, हिंसा को पुष्ट करना और उसमें छल भी जो किस दूसरे उद्देश्य से निकली हुई पुलिस का पथ संचलन उसे अपना बताना या पूजन की तैयारी बताना, ये उनके लिए कितना हास्यास्पद है, कितना इनके लिए यूँ कहना चाहिए कि धर्म से दूर हटाने वाला है। लेकिन फिर भी अहंकार इस बात का है कि मैं धर्मात्मा हूँ, तो कितने धर्मात्मा ये हम नहीं कह सकते हैं, वे कितने भगवान। हम तो प्रार्थना यही करेंगे वे सच्चे धर्मात्मा बने, अहंकार से दूर हटें, छल कपट से दूर हटें और आत्मा के कल्याण में लगें। ओम शांति, ओम शांति। पत्र टिके ना जहां अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो शिरपुर को, देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ज्ञान का मद हो जाता है और यह ज्ञान का घमंड अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान करके चलने लगता है और यह घमंड इतनी सीमा तक पहुंच जाता है कि व्यक्ति यह समझने लगता है कि मैं केवल ज्ञान से कम नहीं हूँ। परंतु ये ज्ञान क्या है,
इस बारे में लोगों के लिए बहुत कम बात होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्शक थे संस्कार सागर पंचपाल्यती इंदौर।